हेलो एवरीवन, आज है ना मैं आपको दिखाऊंगा बिश्केक में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना वहाँ का हॉस्टल और उसके आजू बाजू का सिर्फ यानी 30-40 मीटर के अंदर की जगह। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो ये है 94 स्ट्रीट तिनिस्तानोवा और यहाँ पे खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है ये। ये रास्ते की इस तरफ जो है वहाँ पे समोसे वाला है, बहुत फेमस है समोसे वाला। और यहाँ से राइट मारेंगे तो बहुत सारे आपको मनी एक्सचेंज मिलेंगे। अब ये यहाँ पे ये है मराश बकलावा, बहुत टेस्टी है। उसके बाजू में बारबर शॉप भी है वॉल स्ट्रीट करके। और ये है कंपस हॉस्टल मॉकी कैफे के बाजू में, महाराज कैफे भी है, ये महाराज बकलावा के बाजू में कोई उसके अंदर ही। और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, मक्की कैफे काफ़ी महंगा है। तो अभी वहाँ पे जो है मक्की कैफे लिखा हुआ है। हॉस्टल की शुरुआत होती है यहाँ पे मक्की कैफे है, कैफे बहुत अच्छा है। रोज़ यहाँ पे बैठता हूँ और अलग अलग कॉफ़ी पीता हूँ और ज़्यादातर पीता हूँ। वीडियो ये है मक्की कैफे, ये यहाँ पे छोटा कैफे है लेकिन अच्छा है। यहाँ पे ना वीगन ऑप्शन भी है, ब्रेड बास्केट और सब मिलता है, क्रोसॉन्ट है, एकदम छोटा और एकदम मस्त है एकदम। तो यहाँ से हॉस्टल की एंट्री चालू होती है, अभी हॉस्टल दिखाऊंगा। ये है कैंपस हॉस्टल, यहाँ पे एनी टाइम कोई ना कोई मिलेगा। एकदम क्लीन है ये पूरा। यहाँ पे सुबह को ब्रेकफास्ट फ्री है, ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि रेडी है इसके लिए। देखो ये ऐसा मिलता है ब्रेकफास्ट में, वेजिटेरियन चाहिए तो आपको ककड़ी और टमाटर काट के दे देंगे। बाकी जनरली इनका, और ये टोटली फ्री है ब्रेकफास्ट इनका, साथ में ये भी मिलता है केक है। तो यहाँ पे फ्रिज है, साइन करके लिखो फ्रिज के अंदर। जैसे ये मेरा योगर्ट पड़ा हुआ है वहाँ पे ऊपर, वैसा फ्रिज में अपना अपना निकाल दो। माइक्रोवेव है, एनी टाइम हॉट वाटर है, ये टोस्टर भी, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे कॉफ़ी और वो सब भी यूज़ कर सकते हैं, सिंक के अपने हाथ से खुद धो लो अपना अपना डस्टबिन है। बहुत सारे टेबल है, एसी भी है वहाँ पे। और इफ़ यू डोंट हैव वाटर विद यू, यू कैन परचेज इट हियर। यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है, कुछ भी खरीदो पैसे दे दो वहाँ पे। यहाँ पे पियानो भी है, पता नहीं कौन बजाता है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर ये बेसिकली सीटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठो चिल मारो जो करना है करो, कुछ काम नहीं है। तो अभी यहाँ पे सिस्टर, अभी यहाँ पे लगेज रूम है। यहाँ पे अगर अगर आप सपोज दूसरी जगह जाना चाहते हो और आप वापस इधर ही आ रहे हो तो आपका लगेज इधर रख दो, ये लोग रखने देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर जब आप वापस आओगे तो आप आपका लगेज लेके जाओ। यहाँ पे 3 WC है नीचे, WC नंबर 1, 2, 3। यहाँ पे नीचे कोई रूम नहीं है नीचे, और ये इतना क्लीन रखते हैं कि पूछो मत। क्रेडिट गोज टू सेस्ट्रा। तो आप ऊपर जा रहा हो, यहाँ से रूम्स चालू होते हैं। सो और इतना खूबसूरत बनाया, ये देखो सबके फोटोज़ है सब। हॉस्टल फिलहाल ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, हॉस्टल खाली है, तो आपको यह यहाँ पे जनरली खाली रहता है, मैंने देखा है। ये रूम नंबर 1, एक रूम में 2 बेड होते हैं, जो प्राइवेट रूम होता है उसमें आपको 2800 रुपये 2800 रुपीज़ में आपको पूरा रूम मिल जाएगा। सो वहाँ पे मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ।
अभी मैं जा रहा हूँ, इसलिए पूरा पैकिंग करना बाकी है, तो कपड़े वपड़े धोए तो इसी सब पड़ा हुआ है। हाँ, ये जो है ये रूम है, ये बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं आराम से फिट हो जाता हूँ, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा है फिर भी मैं फिट हो जाता हूँ, तो एंड इट्स कंफर्टेबल, नींद अच्छी आती है। यहाँ पे मिरर भी है, और यहाँ पे फोटो फ्रेम भी लगी है, वहाँ पे एसी है, सो इट्स ऑल इन अ वर्किंग कंडीशन, और टेबल है, चेयर है। अब बात करता हूँ डब्ल्यूसी की, क्योंकि क्या है, हर एक जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोले 5 मिनट का काम है। डब्ल्यूसी का सिंपल रूल है, आप जब जा यूज़ करो, वापस आओ तो इसको बंद कर दो लाइट्स को। तो अभी मैं लाइट चालू कर रहा हूँ डब्ल्यूसी दिखाने के लिए। ये देखिए, ये है एकदम क्लीन है, इट्स क्लीन बिकॉज ये एवरी आवर साफ करते हैं लोग यहाँ पे। हाँ, किर्गिस्तान में कहीं पे भी आपको जेट स्प्रे नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये है टिश्यू पेपर, बट देन अगेन आप साथ में बात ले लोगे, यहाँ पे गर्म पानी है, सो गीज़र है, तो कोई टेंशन नहीं, दे डोंट हैव अ बॉयलर, दे हैव अ गीज़र, तो इसके लिए आप कभी भी चालू करो। और गीज़र जनरली बंद रखते हैं जब क्राउड कम होता, तो जैसे ये नंबर 2, ये मेरा रूम है, फिर 3, फिर 4, फिर वापस WC, यानी यहाँ पे 2 WC है, तो 4 रूम में 2 WC है। उसके बाद इतना खूबसूरत सजा, ये देखो फोटोज देखो, सब जगह पे जिसने भी बनाया इतना दिल से बनाया है इसको। फिर ये इन लोग का स्टाफ रूम है, यहाँ पे उन लोग का खुद का लॉन्ड्री और वो सब होता है, जो कपड़े वपड़े होते हैं। ये देखो 3 WC यहाँ पे, 1, 2, 3, और सब WC एकदम क्या बोलते हैं उसको, अच्छे हैं, क्लीन है, ये देखो टोटली क्लीन एवरी WC। ये देखो 50 लीटर का बॉयलर, क्योंकि, और ये WC भी देख लो, इट्स वेरी वेरी क्लीन। एक शावर है, ये WC है, ये वॉश बेसिन है, नॉर्मल देखो छोटा है जो भी है, बट इट्स परफेक्ट। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, इसके लिए 1400 पर पर्सन का चार्ज लगाते हैं। अब ये नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, 5, 6, 7, 3 कमरे में 3 WC, अब समझ रहे हो, 3 कमरे में 3 WC। उसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पे 2 WC है, यह है रूम नंबर 9, यह है रूम नंबर 8। यहाँ पे डॉर्मेट्री है, 8 बेड्स हैं, मैं एकदम साइलेंटली जाके आपको डॉर्मेट्री दिखाऊंगा। ये दिखाने के बाद अब मेन है वॉशिंग मशीन। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के वो लोग 200 रुपये लेते हैं। अभी मेरे 6 दिन के कपड़े थे, वो सब धो के सुखाने, मैंने सुखाया ये नहीं, ऑफकोर्स वो तो सुखाने ही पड़ेंगे, बट यहाँ पे धो के होता है और सूख जाता है 1 दिन में। तो ड्राई है क्लाइमेट, इट्स नॉट ह्यूमिड लाइक मुंबई, और उसके कारण से जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। ये देखो, ये है यहाँ का वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन 2, 200 रुपया दे दो, वो डिटर्जेंट के साथ वो लोग आपको हेल्प करेंगे साफ करने में, वो हम उसको सिर्फ डाल देना है। और यहाँ का WC दिखाता हूँ, देखिए इट्स क्लीन, इट्स वेरी क्लीन, इट्स व्हाट वी से, इट्स देखो ये एग्जैक्टली 5 बाई 5, 6 बाई 5 का जगह है, बट दे हैव मेंटेन इट सो वेल, सो वेल। हर एक में गीजर, बॉयलर, जो भी बोलो, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज क्लीन। अभी ये देखो, ये तो यहाँ पे ये जो हॉस्टल है, ये किसी होटल से भी मुझे तो अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइवेसी भी है। देखिए, जैसे 3 रूम है, उसके बीच में 3 WC है, यहाँ पे ठीक है 4 रूम के बीच में ये 2 WC है, WC नंबर 1 एंड WC नंबर 2।
ये दो बाथरूम्स हैं यहाँ पे, और बाकी टोटल दो, तीन और दो, इतने सारे बाथरूम, नीचे भी तीन बाथरूम है। तो इट्स लाइक वेरी वेल डिज़ाइंड प्लेस। अब वापस मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे आप रात को भी अगर आपको कुछ पका के खाना है तो कोई आपको बोलेगा नहीं, एनी टाइम कोई ना कोई अवेलेबल रहता है, आपको हेल्प भी मिलेगा। अगर आपको पैसा चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो बाजू में ही है, लाइक इट्स इन अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 500 meters। लेकिन अगर आपको यहाँ से चाहिए तो 30 paise का फ़र्क पड़ेगा, 30 or 20 paise का, नॉट मोर। तो ये काउंटर है, काउंटर पे हमेशा कोई ना कोई तो होता ही है। एंड दिस इज़ आव इज देयर। और बस तो ये आई थिंक हॉस्टलपुर, और यहाँ पे मैप है, और लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैप, पूरा डिटेल में कि पूरा कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। सो दिस इज़ द मैप, यू सी द क्लीनिंग इज गोइंग ऑन, ये पूरा दिन चलते रहता है। तो ये था यहाँ का हॉस्टल, एंड मैंने इतना अच्छा हॉस्टल कभी नहीं देखा है कहीं पे भी। इट्स वेरी क्लीन एंड वेरी वेरी लैविश, आई मीन 5-star हॉस्टल बोल सकते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग तो इतनी की कि पूछो मत, सब जगह पे फोटो फ्रेम्स एकदम खूबसूरत बनाया है।